हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मनी व्लॉग 12 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का व्लॉग तुम्हारे भाई ने स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो आज जा रहे हैं हम ऊपर गांव में, और ऊपर गांव में है मंदिर और मंदिर में आज पूजा। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप हल्दी के पत्ते कितने बड़े हो रखे हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इधर देख रहे होंगे आप मक्के की खेती हो रखी है और इनमें ना मक्के भी लग चुके हैं। दादी जी यहाँ पे साफ सफाई कर रही है क्योंकि घास बहुत हो चुकी है यहाँ घर के सामने, तो इसकी सफाई चल रही है। तो दोस्तों, मैं चलते चलते काफी ऊपर आ चुका हूँ और अपने गांव के सबसे ऊंची जगह पे खड़ा हो रखा हूँ। आप देख रहे होंगे पीछे मकान दिखाई दे रहे हैं और कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, एकदम लाइन से लगे हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कुछ मकान इधर भी है और ये एकदम लाइन से लगे हुए हैं। और अभी तो गाँव एकदम सुनसान हो रखा है क्योंकि सभी परिवार मिल करके ऊपर मंदिर में जा रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ। और दोस्तों, देख रहे होंगे आप यहाँ पे बांध रखे हैं गाय बच्ची, और नीचे देख रहे होंगे आप कितनी हरियाली हो रखी है। और वो जो आपको एक जुट दिखाई दे रहा होगा, वो पूरे के पूरे ना केले के पेड़ हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये मंदिर जाने वाला रास्ता है और अब जा रहे हैं हम मंदिर में। तो मैं पहुंच चुका हूं भैरव बाबा मंदिर में और आप देख रहे होंगे यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। और अभी तो यहाँ पे लकड़ी फाड़ी जा रही है क्योंकि अभी प्रसाद बनेगा। जरीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम चिलवाड़ पवनी को ढोटियाल आज श्री मनीष ब्लॉगर और भास्कर नौटियाल जी ढोटियाल देवता की पूजन में सम्मिलित हुए हैं और सभी लोग इस पूजन के लिए यहां एकत्र हुए हैं। पहले हमारे ढोटियाल देवता का पूजन होएगा और तदोपरांत जो है हमारे भैरव देवता का भी पूजन किया जाएगा। और ये पूरे ग्राम का देवता है जिसे हम ग्राम देवता भी कहते हैं। और आशा करता हूं कि यहां पे जो भी कार्य हो रहा है वो पूर्णता संपन्नता के साथ हो रहा है। सभी लोग अपनी भागीदारी यहां पे निभा रहे हैं। दानदाता, दानदाता का मतलब भेंटकर्ता, अपनी भेंटे भी यहां पे दे रहे हैं। और हमारे पंडित जी, हाँ प्रधान जी भी सामने, आज मैं प्रधान नहीं कहूंगा, हमारे ग्राम के जो हैं इस ग्राम पंचायत के प्रधान भी हैं, ग्राम सभा के श्री नंद किशोर काला जी भी यहाँ उपलब्ध हैं। और जो आज के मुख्य पंडित जी हैं ढोंटियाल देवता के, श्री बुद्धिलाल घनचेला जी भी जो अभी प्रसाद बना रहे हैं, सभी हैं। तो मैं सभी जनों का, भद्रजनों का और महिलाओं का जो कीर्तन कर रही हैं इस उपलक्ष्य में, जो कीर्तन कर रही हैं उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। यहाँ पे ढोटियाल देवता का रोड बनेगा और इसकी तैयारी जो है हमारे नव युवक हर प्रकार से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा तरीके से कि किस तरह से रोड बनता है, अंगारों में बनता है जो कि प्रसाद के फलस्वरूप बनाया जाता है यहाँ पे। और बखूबी लड़के जो है इस कार्य को बहुत पहले से जानते हैं, हमारे बस का नहीं है। मनीष जी भी इसमें अनभिज्ञ है इस चीज में, मनीष बिलोकर भी। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे ग्रुप हैं, वो मनीष बिलोकर को हर जगह सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। इस ब्लॉग को मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से भी सब्सक्राइब करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और हाथ जोड़कर भी विनती है आपसे कि मनीष ब्लॉगर को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब किया जाए ताकि वो उसके अंदर उत्साह बना रहे। महिलाएं जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो है कीर्तन कर रही हैं और बहुत ही आनंदमयी वातावरण, सुखद वातावरण यहाँ पे इन्होंने बनाया है। देखो कितने अच्छे तरीके से सभी कीर्तन कर रहे हैं। अभी भैरव मंदिर का आह्वान किया जा रहा है और बहुत ही तन्मयता के साथ हम ब्लॉग भी बना रहे हैं, पर उनका ध्यान इधर न होकर अपने भजन कीर्तन में रमा हुआ है।
दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारे जो ताऊ जी हैं श्री भास्कर नौटियाल जी यहाँ पे मंदिर में आ रखे हैं और साथ में भाइयों के साथ हेल्प कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे प्रसाद की तैयारी चल रही है और ताऊ जी साथ में हेल्प कर रहे हैं। तो अभी हम जंगल की तरफ आ रखे हैं और इस पेड़ से ले जा रहे हैं हम पत्तियां और इन पत्तियों का उपयोग हम प्रसाद बनाने के बाद ढकने के लिए इस्तेमाल करेंगे और जब कुछ पत्ते बच जाएंगे तो प्रसाद खाने के लिए थालियां भी बनाई जाएगी। और देख रहे होंगे एक भाई ऊपर पेड़ में चढ़े हुए हैं। तो भाई लोगों ये पत्ते देख रहे होंगे आप, इन पे ना गुठलियां लगी रहती है और उसको बोलते हैं भला। तो हमारे चाचा जी बताएंगे क्योंकि ये तो हमसे काफी बुजुर्ग आदमी है तो इनको तो पता होगा भला। घोगी घोगी घोगी। अच्छा घोगी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो कैसे होता है खाने में? खाने में तो अच्छा लगता है, मीठा लगता है और उसपे एक साइड गोंद की तरह होता है। अच्छा। जो अगर थोड़ा सा लग जाए तो हमारी ये जगह पूरे वो खराब कर देते हैं, जैसे खुजली की तरह वैसे हो जाता है। अच्छा, खुजली टाइप का है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो चाचा जी का कहना है कि इस पे जो गुठलिया टाइप की होती है अगर उसको हम खाते तो चेहरे पे ना थोड़ा बहुत दाग जैसा हो जाता है तो इसको थोड़ा सेफ्टी से खाना पड़ता है। तो भाई लोगों वीडियो देखते देखते साथ में लाइक कर देना और नए आ रखे हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो काफी देर चलने के बाद थकान लग चुकी है और भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं पहुंच गया हूं यहां मंदिर में। आप देख रहे होंगे यहां पे रोट बनकर तैयार हो चुकी है और आपको इधर के साइड दिखाता हूं। आप देख रहे होंगे यहां पे पत्तल बनाए जा रहे हैं और सीखों को इस तरीके से फंसा करके यहां पे बड़ा सा पत्तल यहां बनाया जा रहा है और इधर के साइड यहां पूरी बनाने का आटा तैयार हो रहा है। तो थोड़ी देर में अभी पूरी बनाई जाएगी। तो सभी मिलकर आपस में लगे हुए हैं और यहाँ पे आटा बनकर तैयार हो चुका है पूरी बनाने के लिए। तो मंदिर में काफी देर से कीर्तन हो रहे हैं और हमारे ग्राम प्रधान जी जलपान की व्यवस्था करते हुए महिलाओं के लिए ठंडे की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है तो इस कारण से थकान भी लग चुकी होगी। तो इसलिए हमारे प्रधान जी ठंडे की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। तो दोस्तों कीर्तन सफलतापूर्वक समाप्त हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे प्रसाद भी बन चुका है और सभी मिलकर एकजुट होकर प्रसाद का यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने अपने घर भी ले जाएंगे। तो दोस्तों आप व्लॉग में बने रहिए और कमेंट में बता देना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो अभी हम प्रसाद खाने के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।